आज 6 नवंबर 2019 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। कार्तिक मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है सुबह 7:21 तक और उसके बाद दशमी तिथि। शतभिषा नक्षत्र है आज दिन भर। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि। मेष राशि वालों के मन में पैसे को लेकर बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं। सपने देखकर अपनी प्रेरणा को जागृत करना और अपने सपनों को पूरा करना एक बात है, पर सपने देखकर अपने मन को उचाट करते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मेहनत बिखर सकती है। जिंदगी में अपने असंतोष को बढ़ाते चले जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। क्या करना चाहिए समय? कामकाज को लेकर भाग्यशाली परिस्थितियां उभर रही हैं, जिसका अच्छा फल उपलब्धियों के रूप में भी जरूर मिलेगा। इसलिए बेहतर होते हुए हालात पर भी भरोसा रखें, अपने नजरिए को थोड़ा सा बदल लें, अपने सपनों को साकार करना आसान हो जाए। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े कई तरह के दबाव हैं, इसलिए आपकी चिंताएं भी बढ़ी हुई। आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है जैसे, इसलिए भी आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। क्या करना चाहिए समय? अगर मुश्किलों का सही रूप से आंकलन कर लिया जाए तो किसी भी तरह के दबाव को संभालना आसान हो जाता है। आपके कामकाज की स्थिति भी कुछ ऐसी है जिसमें दबाव तो रहे हैं, पर अब उन मुश्किलों को समझना आसान होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अपनी चुनौतियों को संभालने के लिए आप सही दिशा अपना पाएंगे। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, पर मन का विश्वास फिर भी पहले जैसा ही बना हुआ है, जिसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आपके आसपास के लोग अपनी ही बात कह रहे हैं पर आपकी इच्छाओं को कोई पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा। क्या करना चाहिए समय? अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के कई अच्छे विकल्प हैं आपके सामने, पर इस बात को समझ लें कि कोई भी मुश्किल रास्ता चुनने से फायदा ज़रूर होता है, क्योंकि आपकी प्रेरणा और आपकी मेहनत भी उसी रूप से बनी रहती है। इसलिए ये समय आपकी ज़िंदगी में सुधार लाता हुआ नजर आ रहा है। कर्क राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो आपके लिए नुकसान की परिस्थिति बनती चली जाएगी। छोटी छोटी बातों को समय रहते ना संभालने से भी नुकसान होता चला जाता है, ऐसे में अपनी गलतियों की ओर भी नज़र रखने की ज़रूरत पड़ती है। क्या करना चाहिए समय? मुश्किलें इस वजह से हैं क्योंकि विचार नहीं मिल रहे और आपके विचारों को गलत समझा जा रहा है। मुश्किलें इस वजह से भी हैं क्योंकि आपके मन में दूर स्थान से जुड़ी बहुत सारी चिंता है जिसे संभालना भी पड़ेगा। सिंह राशि वाले अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं कर पा रहे, लेकिन वही दोस्त आपकी ज़िंदगी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अपनों के करीब आते चले जाने से बहुत सारी चीज़ों को समझना आसान भी हो सकता है, पर अपने मन में लोगों के प्रति ऐसी भावना लानी होगी जो लोगों से जुड़ने में मदद करे। क्या करना चाहिए समय? अच्छी भली परिस्थिति में भी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिसे संभालना मुश्किल हो जाए। कामकाज को लेकर आपके प्रदर्शन में सुधार हो रहा है, पर कामकाज के क्षेत्र में ही साथी सहयोगियों से विचार नहीं मिल रहे, इसलिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। कन्या राशि वाले अपने काम को लेकर या अपने भविष्य की संभावनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। कई बनते बिगड़ते विचार हैं आपके मन में, जिसकी वजह से आपकी एकाग्रता में भी कमी आ सकती है। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की खुशियां बनाए रखने के लिए आपको किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा। पुरानी चलती हुई कोई अविश्वास की भावना को भी हटा देना होगा, ताकि नई परिस्थितियों के बलबूते पर अपनी जिंदगी की खुशियों को बनाया जा सके। तुला राशि वालों को रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी, पर बहुत सारा भरोसा जगाए रखना होगा। आपको लगता है कि लोग आपके खिलाफ हैं, इसकी वजह से आपके मन में बहुत सारी नकारात्मकता आती चली जा रही है। इसी तरह की कमियों को खुद से दूर करने की ज़रूरत होगी। अपने हालात को नई नज़र से देखने का समय। क्या करना चाहिए समय? आपकी मेहनत में निखार आ रहा है और आप अब वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं, इस तरह का नज़रिया बनाए रखने की ज़रूरत है। क्या ना करें समय में? कई दिशाओं से पैसा आ रहा है, लेकिन पैसे के बिखरते चले जाने का योग है। इस बात को पूरी तरह से ना समझना सबसे बड़ी गलती है, इसलिए हर बात की तह तक जाने की कोशिश करें, ताकि लोगों की वजह से आपके लिए कोई नुकसान की परिस्थिति ना बनती चली जाए। वृश्चिक राशि वालों को घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में धीमापन लाना होगा और अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को भी हटाना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर बात को कह लेने के बजाय कभी कभी चुप भी रहा जा सकता है। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जिसके चलते आपकी उत्तेजना बढ़े, पर शांत रह जाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उसी में आपकी सूझबूझ और आपकी अच्छाई छुपी हुई है। ये भी आपके लिए एक तरह का इम्तिहान है जिसमें आपको अव्वल तो आना ही पड़ेगा। धनु राशि वाले अपनी मेहनत से आप अपने भरोसे को जगा सकते हैं, पर ऐसे में लोगों के प्रति भरोसा
उठता चला जाए ये बहुत हद तक संभव है, क्योंकि आपको कई चीज़ों में ऐसा लगेगा कि लोग आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समझ? कोई भी चीज़ जो आपके विचारों की प्रबलता को बढ़ाए उससे बचना होगा। आप सही भी हों तो भी दूसरों की बात को सुन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं तो मुश्किलें ही पैदा होती। मकर राशि वालों को रिश्तों को संभाले रखना है तो अपनी कही हुई बात पर ध्यान देना होगा ताकि खुद की गलतियों से बचा जा सके। गलतफहमी भरा समय है, इसलिए बचकर चलना बहुत ज़रूरी होगा। क्या करना चाहिए समय में? आमदनी के साधन बने हुए हैं पर पैसे को संभालना मुश्किल हो रहा है। लोगों के बनते बिगड़ते विचार भी आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। क्या ना करें समय में? कामकाज की स्थिति ठीक है पर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ छेड़ते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई एक चीज़ भी आपकी पकड़ में न रहे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं और कामकाज के क्षेत्र में भी कोई प्यार का रिश्ता दस्तक दे सकता है। शायद यही वजह है कि कामकाज के क्षेत्र में कई तरह के दबाव भी झेलने पड़ सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? लाभ तो बना हुआ है पर उस लाभ को बचाए रखने के लिए किसी भी तरह के खतरे से बचना होगा, बल्कि कोशिश ये भी करनी होगी कि कामकाज की स्थिरता हर कीमत पर बनी रहे। किसी भी तरह के खतरे से बचकर निकल जाना ही आपके हित में होगा। इसमें मीन राशि वालों के लिए रिश्तों का उतार चढ़ाव बना हुआ है, इसलिए मन परेशान है, पर मन की परेशानियां बढ़ाते चले जाने से कुछ हासिल होता नहीं है। अगर लोगों की नाराजगियां बनी रहें तो कोई भी अच्छी भली स्थिति बिगड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? हालात चाहे बहुत अच्छे से संभले हुए हैं फिर भी कामकाज की स्थिरता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से बचना होगा। ऐसे में अपने काम से जुड़े प्रदर्शन को कम करते चले जाने से भी नुकसान हो सकता है।